अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ का बड़ा ही मज़ेदार दालचा, जिसके लिए हमें चाहिए 1 किलो हमने बीफ का गोश्त ले लिया है, 5 टमाटर हैं जिसे हमने बारीक स्लाइस कर लिया है, 3 मीडियम प्याज थी जिन्हें हमने बारीक स्लाइस कर लिया है, 8 हमें हरी मिर्चें चाहिए। मसालों में हमें चाहिए होगा 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 2 टीस्पून हल्दी। गरम मसाले में साबित हमें चाहिए होंगी 2 बड़ी इलायची, 2 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 7 से 8 लौंगें और 7 से 8 ही हमें काली मिर्चें चाहिए साबुत, 2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला चाहिए और 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। साथ हमें चाहिए होगा पानी, पानी के साथ हमें चाहिए होगी लौकी, लौकी हमने 1 किलो ली है, ऑयल, ऑयल हमने क्वार्टर प्याली लिया है। क्वार्टर प्याली ऑयल को मैंने आप लोगों की आसानी के लिए नाप कर देखा था, तो ये 25 टेबल स्पून बन रहा है, वैसे क्वार्टर प्याली है ये। साथ हमें दालचा बनाने के लिए मेन चीज़ चाहिए होंगी दालें, जो कि हमने ली हैं 4 दालें, चना दाल हाफ प्याली, मूंग दाल हाफ प्याली, मसूर की दाल हाफ प्याली, और हाफ प्याली से थोड़ी सी ज़्यादा हमें हमेशा लेनी चाहिए माश की दाल, इससे काफ़ी अच्छा लेस पैदा होता है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो हमने माश की दाल जो है वो थोड़ी ज़्यादा ली। ये तमाम 4 दालों को हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे और उसके बाद हम इन्हें 1/2 टीस्पून हल्दी और हम इसमें ऐड कर देंगे 1 लीटर के करीब पानी, दाल गलने जितना अंदाजन हमने 1 लीटर। दाल में हम ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी। अब हम इसे ऊपर जो भी झाग आते जाएंगे हम उसे उतार के फेंक देंगे और 20 मिनट तक तकरीबन हम अपनी दालों को बॉईल करेंगे। ये देखें 20 मिनट हो गए हैं, हमारी दाल में अभी कसर बाकी है, लेकिन बस अब हमें इसे ऐसे ही चाहिए ताकि जब हम इसे गोश्त में शामिल करें तो ये उसके साथ मर्ज होकर ठीक गल जाए। बर्नर हमने ऑफ़ कर दिया है। सबसे पहले एक पैन में हम जो हमारा ऑयल था क्वार्टर प्याली उसका एक हिस्सा हम इसमें शामिल कर देंगे। अब ये जो हमारी प्याज थी 3 मीडियम, इन्हें हम इसमें शामिल कर देंगे और ज़रा सी थोड़ी सी प्याज मैं इसमें से इतनी रोक रही हूँ, ये हम भगार में डालेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने देंगे, ऑयल में ही प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 टेबल स्पून हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट और हमारा ये 1 केजी गोश्त, 1 टीस्पून नमक, 1 साबुत गर्म मसाला। ये तमाम चीज़ें डालकर 3 मिनट तक हमें गोश्त को भूनना है। गोश्त भुन गया है 3 मिनट में। अब हम इसमें ये हमने जो 5 टमाटर बारीक स्लाइस किए थे ये ऐड कर देंगे और चम्मच चलाकर इसे मिक्स करेंगे। टमाटरों को मिक्स करते साथ ही हम इसमें 3 ग्लास पानी शामिल कर देंगे और 1.5 घंटे तक ढक्कन ढककर गोश्त के गलने का वेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1.5 घंटा हो गया है, हमारा गोश्त यकीनन गल गया है जी, बिल्कुल ये गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब आंच को थोड़ा और तेज़ करके अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें जो हमारी 1.5 टीस्पून हमारी हल्दी थी, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और बचा हुआ नमक, ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। अब हम इस मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। 5 मिनट हमने इसे भुना है और ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें लौकी को हमने छील के काट लिया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौकी ऐड कर देंगे और 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10 मिनट हो गए हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। लौकी हमें पूरे तरीके से नहीं गलानी थी ताकि जब हम दाल के साथ उसे पकाएं तो तब भी वो अच्छे तरीके से गल जाए और बिल्कुल ही ना घुले। अब इसे मिक्स करके देखें, अगर हमें पानी जो है वो कम दिख रहा है और दाल गाढ़ी है तो हम 1.5 गिलास उसमें पानी इसी स्टेज पर ऐड कर देंगे। तो मुझे भी पानी दाल काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी महसूस हो रही है तो मैं 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब इसे हम ढक्कन ढककर 10 मिनट पकने देंगे। दस मिनट बाद अब हम दाल में डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला 2 टीस्पून, हरी मिर्चें काट के डाल देंगे, साथ ही डालेंगे 1/2 कटी पुदीने की, इससे बेहद अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है।
और बिल्कुल आप हलीम को भूल जाएंगे, ये ऐसा ज़बरदस्त दालचा बनता है। ये तमाम चीज़ें डालकर आप मिक्स कर दें और ये देखें हमारी दाल की कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है और दाल बिल्कुल घुटी भी नहीं है। यही दालचे का ज़बरदस्त और बेहतरीन टेक्सचर होता है। अब हम ढक्कन ढक देंगे, जब तक इसे उबाल आ रहा है तब तक हम भगार रेडी करेंगे। बचा हुआ ऑयल था वो हमने पैन में डाल दिया है और थोड़ी सी जो प्याज बचाई थी वो डालकर अब हम भगार रेडी कर रहे हैं। भगार हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसे दाल में ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा दालचा बिल्कुल रेडी है, फ्लेम हम कर रहे हैं ऑफ और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। मज़ेदार दालचा बिल्कुल रेडी है। आप इसे सर्व कर सकते हैं चावलों के साथ, सादा चावलों के साथ, या फिर रोटी के साथ, या हर चीज़ के साथ उतना ही टेस्टफुल है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।